नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। सतना सरकार एक तरफ स्वच्छ भारत मिशन के कई बड़े बड़े वादे कर रही है और शहर को सुंदर और आकर्षक बनाने पर जोर दे रही है। वहीं दूसरी ओर शहर में कई जगहों के नालों की सफाई समय पर ना होने से इनमें जमा गंदा पानी और नाले को खुला छोड़ देना लोगों के लिए जंजाल बना हुआ है। सतना शहर में नगर निगम अधिकारी कर्मचारियों की अनदेखी के चलते बिरला रोड स्थित नवरंग पार्क कॉलोनी में खुला नाला लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। लंबे समय से इस खुले पड़े नाले को नगर निगम बड़े हादसे का आमंत्रण देने के इंतजार में है। इससे राहगीरों के साथ यहाँ से गुजरने वाले स्कूली बच्चों एवं आवारा पशुओं, बेजुबान जानवरों के लिए भी खतरा बना हुआ है। इस बारे में कॉलोनी के लोगों ने नगर निगम में कई बार शिकायत की है, लेकिन रहवासियों को नगर निगम के द्वारा आश्वासन के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा है। खुला नाला लोगों व स्कूली बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। अब देखना होगा कि नगर निगम पूरे मामले पर कुछ कार्यवाही करता है या फिर सिर्फ रहवासियों को आश्वासन ही देता रह जाता है। ये बगल में नाला है, ये बिरला रोड नौरंग पार्क कॉलोनी के बगल में है। यहाँ पास आए दिन मवेशी, कभी कभी तो मोटरसाइकिल वाले एक जन घुस गए थे। पानी एक दिन बहुत तेज गिरा था, मोटरसाइकिल वाले नीचे घुस गए थे और एक साइकिल वाला बेचारा से आने यहीं से निकले थे तो बेचारे के पैर फिसल गए थे, तो नीचे चले गए थे। उनका पैर में बहुत दर्द, फिर डॉक्टर साहब को दिखाए थे यहाँ बगल में। यहाँ आने दिन घटना होती रहती है। इसकी शिकायत की आप लोग? अरे शिकायत नगर निगम में कई बार गए। एक दिन तो बैल गिर गया था, तो दोपहर के गिरा हुआ बैल रात को 11 बजे निकला। क्या आश्वासन दिया गया नगर निगम को? होगा, यही बोलते हैं बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। अभी आज तक ये तो जब से नाला ये वाला खोदा थे तो पट्टी वट्टी अपने से डाल लिए थे, बाकी पता नहीं कब से सिस्टम बना हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषि कुमार वर्मा। कौन से एरिया है ये? नौरंग पार्क कॉलोनी बिरला रोड। नाली में देखिए कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि कई सारे जानवर हैं तो जानवर आकर के नाली में गिर जाते हैं। साथ के साथ और भी देखिए गंदगी है, तो इससे कई सारे अब क्या है कि छोटे छोटे कीड़े वगैरह आते हैं। तो कई दुकानें हैं यहाँ पर और साथ में घर भी हैं, तो घर में क्या होता है ना कि कीड़े वगैरह आते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट नाली तो ये क्लियर हो जाए, कि नाली बन जाए, क्योंकि मेरे ही जानकारी में 2 से 3 बार जानवर यहाँ पर गिर चुके हैं, जिसकी मैंने शिकायत भी की थी और जो हमारे कॉम्प्लेक्स के ओनर हैं उन्होंने भी की थी शिकायत, और हमने जानवर फिर फाइनली निकलवाया भी था। लेकिन अगर मान लीजिए हम ना होते तो फिर ये जानवर तो कोई नहीं निकलवाने वाला था। कहाँ शिकायत की इसकी आपको? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने की थी और फिर वार्ड पार्षद वार्ड मेंबर जो है उनके पास मैंने की थी। आश्वासन दिया गया? करवा दिया गया था लगभग, उन्होंने बोला था कि 2 घंटे में हो जाएगा, तो 2 घंटे में हो भी गया था। ये नाले का जो समस्या बनी, नाले की समस्या के आश्वासन के लिए देखिए उन्होंने बोला है कि बात चल रही है और जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्या नाम है? सौरभ पटेल। कौन सा? सौरभ पटेल। हम यहीं पर मेरी शॉप है, कस्टमाइज शॉप। कॉलोनी कौन सी? ये नौरंग पार्क एरिया है।